नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की फैमिली में। यूपीटेट 2019 में आवेदन करने के लिए बीएड कैंडिडेट्स को ग्रेजुएशन में मिनिमम कितना प्रतिशत अंक होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहे थे। यदि आपके भी मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं पूरा डिटेल में इसी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी लेवल यानी पेपर वन के लिए। आप स्क्रीन पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख पा रहे होंगे और यहाँ पर बीएड के संदर्भ में मेंशन किया गया है, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसे बीएड बोलते हैं। तो बीएड कैंडिडेट्स को मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% अंक हासिल करना अनिवार्य है पेपर वन प्राइमरी लेवल के लिए। अब एक बार बात कर लेते हैं पेपर टू यानी अपर प्राइमरी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी में 50% अंकों के साथ बीएड हो और दूसरी कैटेगरी भी है जिसमें आप देख सकते हैं 45% अंकों के साथ बीएड को मान्यता दी गई है। तो पेपर टू के लिए अगर आपके 45% से अधिक अंक हैं तो भी आप एलिजिबल हैं पेपर टू के लिए। और इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पर टिप्पणी करके एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखा गया है। पॉइंट नंबर वन आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% अंकों की छूट की अनुमति होगी। यानी कि जो ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो शैक्षिक अर्हता बताई गई है पेपर वन के लिए बीएड अभ्यर्थियों को 50% अंक, इसमें जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी होंगे जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या फिर स्पेशल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी। और पेपर वन में बीएड कैंडिडेट अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% से ऊपर अंक हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं मैं पेपर टू की बात करूं तो यहां पर जैसे कि 45% वालों को अर्हता दी गई है तो इसमें 5% कैटेगरी वालों को छूट देकर के 40% से अधिक अंक हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। धन्यवाद।